गाइस, दिस इज मी प्रियाश्री राव एंड वेलकम टू माय चैनल पिंक फॉरेस्ट विला। आप सभी को पता है कि अभी तो कोई चीज़ें मिल नहीं रही होंगी, लेकिन फिर भी पर्पल जो है बहुत सारी चीज़ें डिलीवर कर रहा है, एसेंशियल चीज़ें डिलीवर कर रहा है, दैट इज़ ग्रेट। क्योंकि लोगों की स्किन केयर खत्म हो गए होंगे, बहुत सारे ऐसे एसेंशियल आइटम होते हैं आप जो डेली मर्रा में यूज़ कर रहे होते हैं एंड वो आपके फिनिश हो गए होंगे। तो उनमें से मैंने कुछ चीज़ें परचेज की थी, आप लोग साथ हॉल वीडियो में शेयर किया था एंड उनमें से कुछ चीज़ें मैं यूज़ कर चुकी हूँ, तो उसका रिव्यू मैं आप लोग के लेके आई हूँ। तो आज जो मैं रिव्यू करने वाली हूँ दैट इज़ फ्रॉम द ब्रांड गुड वाइब्स एंड दिस इज अ कोकोनट ब्राइटनिंग फेस क्रीम। ओके, सो फेस क्रीम को मैं एज अ मॉइस्चराइजर राइट नाउ यूज कर रही हूँ, क्योंकि ऑल दो मेरे पास कुछ अवेलेबल नहीं है, सो आई एम यूजिंग दिस। सो दिस इज 225 रुपीज की क्रीम है एंड द क्वांटिटी ऑफ 50 ग्राम एक जार पैकेजिंग के साथ ही आता है एज यू गाइस कैन सी। एंड इसके ऊपर सारी डिटेल्स इसके ऊपर मेंशन है, कौन कौन से इसके अंदर जो है इंग्रेडिएंट डाले गए हैं वो भी मेंशन है, कैसे आपको यूज करना है वो भी मेंशन है। सो दिस इज अ कोकोनट ब्राइटनिंग फेस क्रीम। सो दिस इज अ ब्राइटनिंग फेस क्रीम, इसके अंदर डाला गया है कोकोनट एंड कोकोनट बिकॉज ऑफ कोकोनट जो है आपकी स्किन के एंटीऑक्सीडेंट को बढ़ाता है, अमीनो एसिड्स को बढ़ाता है एंड कोकोनट जो है आपकी स्किन के एजिंग को भी कम करता है, आपकी स्किन के टिश्यूज को रिपेयर करता है, ऐसे ये लोग बोल रहे हैं। और क्राफ्टेड विद पैशन स्किन एंड फ्रेश इंग्रेडिएंट के साथ इसको बनाया गया। सो दिस इज अ हाईली रिकमेंडेड फॉर इफ यू हैव अ डैमेज्ड स्किन, डल स्किन, तो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा ये रिकमेंड होती है। ओके, सो अंदर से जब आप स्क्रीन को देखेंगे तो कुछ इस तरीके की दिखाई देगी। एज यू गाइस कैन सी वेरी नाइस व्हाइट वेलवेटी काइंड ऑफ अ फील है इसका, जो क्रीम है वो काफी सॉफ्ट आप बोल सकते हो एंड दिस इज वेरी गुड फॉर ऑल स्किन टाइप। मैं इसको एकदम स्किन टाइप के हिसाब से जस्टिफाई नहीं करूंगी कि दिस इज गुड फॉर ऑयली स्किन टाइप, ड्राई स्किन टाइप, सभी स्किन टाइप वाले इसको यूज कर सकते हैं। इस इज अ ब्राइटनिंग क्रीम, जब इसको लगाते हैं तो एक ग्लोइंग इफेक्ट आपकी स्किन पर बहुत अच्छा आता है एंड अगर आप अलग से मॉइस्चराइजर नहीं लगाना चाहते, सिर्फ इस क्रीम के साथ जो जाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन बाय दिस एंड आप इसको एज अ डे क्रीम यूज कर सकते हैं। नरिशमेंट एंड ग्लोइंग की बात करूँ तो पूरा पूरा प्रदान करता है आपको, इसके अंदर कोई भी ऐसे दो राय नहीं। बेस्ट चीज़ की मैं बात करूँ इस क्रीम की, सो दैट इज वाई कि जो अभी ना समरी टाइम है एंड समरी टाइम के हिसाब से इस अ वेरी लाइट वेट जो है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, ऐसा फ्लफी सा क्रीम है ये, लाइट वेट एंड द स्मेल इज ऑल्सो वेरी नाइस। तो बहुत फ्लफी है, लाइट वेट है, तो सारे स्किन टाइप वाले इसको जल्दी से यूज कर लेंगे। एकदम अनकंफर्टेबल वाली जो फीलिंग हो जाती है ना समर के अंदर, वो ये क्रीम नहीं देने वाला है एंड मॉइस्चराइजर स्किप करके आप इस क्रीम के साथ जा सकते हो बहुत इजीली। एंड एक तो बजट फ्रेंडली है, सभी लोग इसको यूज कर सकते हैं, दूसरा जो भी इसका दावा है, क्लेम है, वो उस पर ये खरा उतर रही है। हालांकि मैंने फर्स्ट टाइम यूज किया है तो मुझे फर्स्ट टाइम में काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मैं गुड वाइब्स के इतने प्रोडक्ट रिव्यू करती नहीं हूँ, आप सबने लोगों ने देखा होगा, बट जो चीज़ें अच्छी है उसके बारे में डेफिनेटली बोलना चाहिए। तो मुझे ये क्रीम काफी अच्छी लगी, आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको यूज भी किया होगा, अगर यूज किया है और आपको भी सेम बेनिफिट मिले तो प्लीज मुझे कॉमेंट के थ्रू बताइएगा। इसके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, तो चेकआउट कर लीजिएगा एंड प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, टोटली फ्री। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, तो वहां पर मैं लाइव चैट करती हूँ एंड उसके लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, बाय बाय।